इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड एट होम। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 12। ओपन योर मैथ बुक पेज नंबर 32 and draw a straight line at top of the page and write C dot W in the center and date at the corner. Look at the page number 32. 32 में है addition. Addition means जमा करना. What should be added? क्या जमा करना चाहिए? Now understand the instruction. Pick a number from the above given numbers to be added to get the answer. पिक करने हैं आपने नंबर्स, ऊपर हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें से हमने करेक्ट आंसर पिक करना है और एम्प्टी बॉक्सेस में फिल करना है, और हमने मालूम करना है कि कौन सा नंबर आना चाहिए एम्प्टी बॉक्सेस में। पार्ट ए इज़ डन फॉर यू। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर में एफ मिसिंग है, वो आपने राइट कर देना है। लुक एट द पार्ट ए, दिस इज़ डन फॉर यू। 22 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 47। अब 25 किस तरह से मालूम किया गया, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। 47 जो गिवन आंसर है, हम फर्स्ट गिवन नंबर जो 22 है, 47 में से 22 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। पार्ट बी इज़ 70 प्लस एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू 145। अब हमने मालूम करना है कि 70 में कौन से डिजिट प्लस करने से हमारे पास आंसर आए 145। 145 जो गिवन आंसर है, उसमें से 70 जो गिवन नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे। 145 की वैल्यू को हम ऊपर राइट करेंगे और 70 की वैल्यू को हम नीचे राइट करेंगे। अब हम इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम वन साइड, 5 में से 0 माइनस किया, आंसर इज़ 5। 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 4 अपने सामने वाले डिजिट 1 से कैरी ले लेगा। इस तरह हमारे पास 4 की वैल्यू हो जाएगी 14 और 1 की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 0। अब हम 14 में से 7 माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस किया, आंसर इज़ 7। 75, दिस इज़ आर आंसर। 70 प्लस 75 इज़ इक्वल टू 145। पार्ट जी इज़ एम्प्टी बॉक्स प्लस 70 इज़ इक्वल टू 100। अब हमने मालूम करना है कि 70 में ऐसा कौन सा डिजिट प्लस किया जाए कि हमारे पास आंसर आ जाए 100। यहाँ पे भी हम 100 की वैल्यू जो आंसर में है वो हम ऊपर राइट करेंगे और 70 जो गिवन वन नंबर है वो हम उसके नीचे राइट करेंगे। अब हम 100 में से 70 को माइनस कर देंगे। अब 0 में से 0 माइनस किया, आंसर इज़ 0। 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 0 अपने सामने वाले डिजिट 1 से 1 कैरी ले लेगा। अब हमारे पास 0 की वैल्यू हो जाएगी 10 और 1 की वैल्यू रह जाएगी 0। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। 30, दिस इज़ आर आंसर। वी हैव टू राइट 30 इन द बॉक्स। 30 प्लस 70 इज़ इक्वल टू 100। पार्ट के इज़ एम्प्टी बॉक्स प्लस 31 इज़ इक्वल टू 61। अब हमने मालूम करना है कि 31 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस किया जाए कि हमारे पास आंसर आ जाए 61। गिवन आंसर में से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे। 61 जो गिवन आंसर है उसकी वैल्यू को हम ऊपर राइट करेंगे और 31 को हम नीचे राइट करेंगे। अब हम इसे माइनस कर देंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। नाउ 6 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। 30, दिस इज आर आंसर। फ्रेंड्स, अब देखें, हमें ऊपर नंबर दिए हुए, हमें कहा था पिक करने हैं नंबर्स। अब हम अपने आंसर मैच करते हैं 25 और टिक लगाएं 25 को। नाउ 75 को टिक लगा दें। 30 को टिक करें। सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आपके आंसर में आए वो आपने टिक कर देने हैं। I hope you have understood this page. Now complete this page by on
दिस इज़ योर होम टास्क. डू पेज नंबर 32 इन द बुक एंड प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 32 इन AR. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.